मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता पर मामला दर्ज होने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इंदौर डीआईजी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के साथ ही पुलिस प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी की एक विवादित पोस्ट के कारण एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। शनिवार को जीतू पटवारी ने नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक विवादास्पद पोस्ट ट्विटर पर शेयर की, जिसमें नरेंद्र मोदी एक हाथ में कटोरा पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भाजपा के नेताओं ने जीतू पटवारी पर हमला बोल दिया है। भाजपा के नेताओं ने उसी रात डीआईजी ऑफिस जाकर जीतू पटवारी को गिरफ्तार करने की मांग की। अब सोमवार को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने डीआईजी ऑफिस जाकर प्रदर्शन किया और भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए डीआईजी को ज्ञापन सौंपा। इस मामले के बारे में कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन भाजपा नेताओं के दबाव में आकर काम कर रहा है। ये मैं आपको ज्ञापन दे रहा हूँ, उसके हमारे मामले में माननीय श्री पुलिस महानिरीक्षक इंदौर विजय इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन। इंदौर शहर कांग्रेस आपसे मांग कर रही है ये है कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज श्रीमान के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा अलग अलग समय पर सोशल मीडिया पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर भद्दे भद्दे फोटो व कमेंट्स किए हैं। यह है कि हमारी मांग है कि आज दिनांक को हम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के विरुद्ध शिकायत करने आए हैं जिनके द्वारा हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। यह है कि हमारे द्वारा शिकायत के साथ वो सब दस्तावेज व प्रूफ जो भारतीय जनता पार्टियों के नेता द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स और शेयर कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है हमारे ज्ञापन के साथ हम वो जो प्रूफ संग्रहण कर रहे हैं उनको आधार बनाकर उन नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तत्काल रूप से की जावे। यह है कि शेयर कांग्रेस कमेटी श्रीमान से आग्रह करती है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई शिकायतों पर कांग्रेस के वरिष्ठ जनों पर अलग अलग स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई है, हमारी मांग है कि हमारी शिकायतों पर संज्ञान लेकर शीघ्र उनके विरुद्ध कानून, यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगी और अमर अनशन करेगी। जिन लोगों के नाम शेयर कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निम्न नेताओं के कार्यकर्ताओं के न्यूज चैनल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, भारतीय जनता पार्टी इंदौर शहर अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश शासन, रामेश्वर शर्मा प्रोटम स्पीकर मध्य प्रदेश शासन, तुलसीराम सिलावट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, अमित मालवी इंचार्ज बीजेपी आईटी सेल, सुदर्शन गुप्ता पूर्व विधायक, संबित पात्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जीतू पटवारी के साथ आपने जो व्यवहार किया, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग रात को 11 बजे उल्लंघन करके यहाँ आते हैं, कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं और जीतू पटवारी के मामले में ना जांच की जाती है और मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष न्यू पलासिया में रहता है, तुकोगंज थाने पर एफआईआर होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, गौरव कंपाउंड सहयोगगंज थाने पे होना चाहिए, क्यों क्षतिपूरा पे किया गया और न जांच की गई। आप एक डीआईजी ऑफिस के लिए आप तो 11 बजे खुलना ही नहीं चाहिए ना, कैसे खुला डीआईजी ऑफिस? हमारी मांग है कि हमको ज्ञापन देना था कल, आपने हमें समय नहीं दिया, आपने कहा कि आज कल कर्फ्यू का उल्लंघन है, आपने बोला कि 5 बजे में मीटिंग करूंगा, ऐसा नहीं। देखो आप देखो साहब, हमारा निवेदन है कि गलत आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर हम पे झूठे मुकदमे दिन पे दिन लगते जा रहे हैं, आज हमारे पे 5वां मुकदमा लग रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं पे सब पे 60 मुकदमा लग रहा है। आपने 5 बजे का मांगा था कल, आपको भी परमिशन दी गई, आपने बोला, पर आप स्वयं उपलब्ध नहीं था, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, आपने बोला कि मैं नहीं रुक पाऊंगा, हम एसपी से थोड़ी मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे, सब डीआईजी से मिलना, आपकी कीमत आप है सब, एसपी एसपी कीमत है एसपी, हमारा निवेदन ये है, सब काम होता फिर डीआईजी क्यों याद करते? बहुत बढ़िया, हमारा ये निवेदन है साहब की इतनी जल्दी जांच भी हो गई और तीन मुकदमा भी दर्ज हो जाता साहब, और ये हम इतने सारे हम दे रहे हैं, कितने दिन में आप जांच कर लोगे साहब इसकी? आप जांच करेंगे इनमें भी, इनमें भी दो दिन के अंदर मुकदमा लगा और इसी धारा पर मुकदमा दर्ज होना। हमने डीआईजी साहब से चर्चा करने हमको अंदर बुलाया और हमने मांग करी है, तो डीआईजी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि 3 दिन के अंदर मैं इनकी जांच करके इनमें मुकदमा दर्ज कराऊंगा। हमने कहा कि अगर आपने 3 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज इन पर नहीं होता है या जीतू पटवारी
जी जो हमारे विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, उन पर जो आपने मुकदमा लगाया दर्ज किया उसे वापस लिया जाए, अन्यथा 3 दिन बाद जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस पूरे चुराए चुराए पर प्रदर्शन करेगी जिला प्रशासन के खिलाफ और ये बात पुलिस प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गूंगा बेरा लंगड़ा लूला हो गया है। क्या एन पॉलिसी की रात को 11 बजे आके यहाँ ज्ञापन देने आ रहे हैं? और हमने ये भी मांग करी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर अध्यक्ष के साथ में जो सब आए थे उन पर भी तत्काल रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों, उनने कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं किया क्या? जब जिला प्रशासन ने ही रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रखा है तो क्यों 11 बजे से एन पॉलिसी जो यहाँ पर आकर उन्होंने ज्ञापन दिया और पुलिस प्रशासन पुलिस उनसे ज्ञापन ले रही है, मुख दृश्य बन के देख रही है, उनमें मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन दबाव में है इस समय? पूरा दबाव में है प्रशासन, पूरा लंगड़ा लूला बेला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की कठपुतली हो गई है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने जो ट्वीट किया था उन्होंने उसको डिलीट क्यों कर दिया, ये सवाल आप जीतू पटवारी जी से पूछे, मुझे इस बारे में संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने वापस से डिलीट कर दिया। अच्छा, कि 12 लोगों के नाम अभी तो हमने इंदौर में करी है, हमने नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री रामेश्वर शर्मा, प्रमोटर स्पीकर तुलसीराम सिलावट, मंत्री मध्य प्रदेश शासन अमित मालवीय, इंचार्ज बीजेपी आईटी सेल सुदर्शन गुप्ता, पूर्व विधायक संवित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अमित पंचाल, जिला संयोजक आईटी सेल भाजपा शोभा करंदलाजे, सांसद चिकमंगलूर कर्नाटक, इनके बारे में हमने विथ एविडेंस विथ सीडी विथ जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो चलाया था उसकी हमने क्लिपिंग सहित हमने प्रूफ दिया है और हमने मांग करी है कि तत्काल रूप से इन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मामले में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, पुलिस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, मामले की जांच पूरी की जाने तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो सामान्य हो, हर पार्टी के प्रति सामान्य व्यवहार होना चाहिए, आम जनता के प्रति व्यवहार सामान्य होना चाहिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, उनके प्रेशर में आकर आप रात को 11 बजे लॉकडाउन का उल्लंघन करके आप यहाँ उन्हें समय देते हैं। सब जनप्रतिनिधि, जो उनके जनप्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि नहीं हैं वो भी यहाँ आते हैं, तो क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज़, माननीय जीतू पटवारी जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है, सोशल मीडिया के का एक मामला है, आईटी एक्ट के माध्यम से उनके ऊपर एक केस दर्ज हो जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक संवैधानिक पद पर जो आदमी बैठा है उस पर कोई भी केस दर्ज करने के पहले इन्होंने पूरे प्रशासन ने कम से कम उसकी जांच तो करा लेना चाहिए। ऐसी कौन सी बड़ी आपदा आ गई थी या जीतू पटवारी जी ने ऐसा कौन सा बड़ा किसी का मर्डर कर दिया था या कोई ऐसा लूट खसोट कर दी थी जो रात को 11 बजे पूरा बीजेपी का हमला यहाँ आता है और प्रशासन उनके कहने में प्रकरण दर्ज कर लेता है? अगर ऐसा ही है तो बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो हम लोगों ने सूचीबद्ध नाम दिया है, मैंने बहुत सारे मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ संगठन के लोग हैं, या तो जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है उनके ऊपर भी होना चाहिए। जिस तरह से राम को लेकर जो है कांग्रेस को बदला है, राममय कांग्रेस इस बार नजर आई है, तो क्या आपको लगता है ये जो ट्विटर पे जो उन्होंने जिस तरह का पोस्ट किया था ये सही था? कांग्रेस पार्टी ने कभी राम भगवान का या हिंदुत्व का कभी विरोध नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ी है, साथ में है, और जो भी इस देश के हित में जो कार्य होगा कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके लिए खड़ी रहेगी। लेकिन जीतू पटवारी जी के स्टैंड को किस तरह से देखते, क्या उसे सही मानते हैं? क्योंकि यदि सही था तो फिर उन्होंने डिलीट क्यों किया अपना? जीतू पटवारी जी की अगर बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जो पोस्ट उन्होंने किया है उसमें कहीं ना कहीं जो आज तानाशाही बीजेपी की दिख रही है, सामने दिख रही है, जिस प्रकार से प्रशासन हो या आम जनता के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो उसने उनने भावना व्यक्त करी है। नहीं, लेकिन जिस तरह से भावना व्यक्त की, क्या भावना व्यक्त करने के तरीके को आप सही मानते हैं? नहीं, तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। अच्छा, कांग्रेस जिस तरह से आप एक हिंदुत्व का जो मुद्दा इसको लेकर भाजपा ही जो है वो हमेशा आगे आते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी जो है वो हिंदुत्व के सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर चल रही है, तो क्या लगता है ये जो स्टैंड है क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? भाजपा के कोई भाजपा की कोई कॉपीराइट नहीं है भगवान श्री रामचंद्र जी या हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सबके लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, और ये तो इतिहास गवाह है कि शुरू से आज तक की अगर बात करी हिंदुत्व की और लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है।
बहरहाल विधानसभा उपचुनाव के पहले इंदौर में कांग्रेस भाजपा नेताओं के बीच जमकर द्वंद्व देखा जा रहा है, जहां दोनों ही प्रमुख दल के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।